आइए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भविष्य काल, जो भविष्य में कोई भी घटना का पूर्ण होने का संकेत मिलता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान है चुका होगा और चुकी होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है पूर्ण भविष्य काल का, उसको क्या है? पहचान है। ठीक है, अब इसका रूल्स देखते हैं। रूल्स का मतलब क्या होता है? नियम। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे रूल सब होता है। ठीक है, ये क्या है? अफर्मेटिव के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म और अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। ठीक है, तो इसको लिखते हैं क्रिया और इसको लिखते हैं कर्म और इसको लिखते हैं अन्य शब्द। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए, ठीक है, तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं शैल हैव का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो शैल हैव का प्रयोग कर्ता आई और वी के साथ करते हैं। कर्ता आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, विल हैव का प्रयोग बाकी सभी कर्ता ही सी ईट यू व दे के साथ करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये टेंस बहुत सरल टेंस है, जो हम फर्स्ट में अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे होता है। ठीक है, तो शैल हैव का प्रयोग कर्ता आई और वी के साथ करते हैं और विल हैव का प्रयोग बाकी सभी कर्ता ही सी ईट यू व दे के साथ करते हैं। ठीक है, तो इस टेंस में किसी कार्य का पूर्ण होने का, भविष्य में पूर्ण होने का बताता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा उदाहरण होगा। तो आई शैल हैव गोन टू मार्केट।
दूसरा होगा तो आई सेल हैव गोन टू मार्केट, ठीक है। तो आई के साथ सेल हैव का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन, कर्म क्या कर्म किया जा रहा है, बाजार जाने का कर्म किया जा रहा है, क्या बाजार जाने का कर्म किया जा रहा है, ठीक है। बाजार मार्केट कर्म है, ठीक है। किसके द्वारा, गो मतलब जाना, और किस व्यक्ति के द्वारा, आई के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, आई के द्वारा, ठीक है। उसी प्रकार दे विल हैव प्लेट फुटबॉल, ठीक। तो दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म विल है, क्यों, क्योंकि दे है और दे के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाएगा, और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब हम निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। तो निगेटिव बनाने के लिए निगेटिव सेंटेंस के लिए सैल और विल के बाद नॉट लगाया जाता है, ठीक है। सैल व विल के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सैल और विल के बाद किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल क्या है, आई सेल हैव गोन टू मार्केट। तो आई सेल नॉट, फर्स्ट एग्जांपल है आई सेल नॉट, ठीक है। आई सेल नॉट, अब सेल के बाद क्या था, हैव था, तो नॉट के बाद क्या लगाएंगे, है, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। अब यहां पे थर्ड फॉर्म गोन टू मार्केट, ठीक। अब इसका इंट्रोगेटिव आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारा टेंस का अंतिम चरण होने जा रहा है, ये 11वां है हमारा। तो आप खुद ही समझिए कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कर्ता के बाद कर्ता के स्थान पे सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के स्थान पे कर्ता, लेकिन ठीक उसी प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की संभावना है, क्योंकि सेल है बस विल हैव दिया है, तो सेल के बाद ही नॉट लगाना है, हैव को उधर छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। और थैंक यू, पढ़िए ये क्या है, जो ग्रामर होती है, ठीक है, ग्रामर का ये हृदय है, और इसके बिना आपका कोई भी सेंटेंस को आप पहचानने में या ट्रांसलेशन करने में बहुत तकलीफ होती है। और इतनी सरल भाषा में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको गाइड में, कुंजी में, अगर नवबोध प्रबोध किसी में भी खोजोगे तो ढूंढोगे, तो इस तरीके से ये नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी विद्यार्थी हैं तो इसको ध्यान से सरसरी तौर पे देखिए और भी काम आ सकते हैं। थैंक यू।